हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे इडली सांभर। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। फाइबर और प्रोटीन लंबे समय तक आपके हेल्थ को सुरक्षित रखने में मदद करता है। इससे पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए हमने ली है 2 गाजर, 3 आलू, 1 गोभी का फूल छोटा, 4 टमाटर, 2 प्याज, 1 छोटी लौकी, आधी पत्ता गोभी, आधी शिमला मिर्च, 100 ग्राम मटर और 5 से 7 इमली, जिसे हम पानी में गला लेंगे। इडली के लिए हमने ले ली है 2 कटोरी सूजी। 2 कटोरी सूजी में हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच सोडा, आधी कटोरी दही, और दही डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे 1.5 कटोरी पानी। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इसमें और पहले मिक्स करके देखेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। हमें 1 से 1.5 कटोरी पानी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। सूजी उसमें गल जाए केवल इतना सा ही पानी हो। यह हमारी सूजी मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम सांभर के लिए ले लेंगे 1/2 कटोरी दाल, तुअर की दाल। दाल को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे कुकर में डाल देंगे और इसमें डाल देंगे मटर, लौकी, प्याज, आलू, गाजर, फूलगोभी, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी 1/2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 ग्लास पानी। सब्जियां पानी में डूब जाए हमें इतना ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। ये देखिए हमारी सब्जियां डूब चुकी है, हमें इतना ही पानी रखना है इसमें। इसे बंद करके 2 से 3 सीटी लगा लेंगे ताकि सब्जियां अच्छी तरह से पक जाए। हमारी सूजी पूरी तरह से गल चुकी है, इसे गलाए हुए 1/2 घंटा हो गया है। सूजी को अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद इडली ट्रे को हम ऑयल लगा देंगे ताकि इडली इसमें चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं। हमारी सूजी को गलाए हुए 1/2 घंटा हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह का बैटर तैयार हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1/2 पैकेट इनो। इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इनो एक्टिवेट हो जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इडली ट्रे में भर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। इसे खोलकर चेक करेंगे इस तरह से चाकू से। चाकू में अगर बैटर चिपक कर आता है तो इडली तैयार नहीं हुई है। इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर फिर से पका लेंगे। 5 से 7 मिनट बाद इसे फिर से चेक करेंगे। अब बैटर चिपक कर नहीं आ रहा है तो हमारी इडली पक चुकी है। इसे चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे। हमने जो तेल लगाया था उसकी वजह से यह आसानी से निकल जाएगी। हमारी इडली तैयार हो चुकी है। अब हम सांभर तैयार कर लेते हैं। हमारा सांभर भी उबल चुका है, उसे खोलकर चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जियां पूरी तरह से पक चुकी है। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सांभर मसाला, इमली का घोल, इमली के बीज और छिलके हमने निकाल कर अलग कर लिए हैं। अब इसे अच्छे से मैश कर देंगे। जो सब्जियां हैं वह बिल्कुल बारीक कर देनी है हमें। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 ग्लास पानी। ये अभी बहुत गाढ़ा है इसलिए पानी डालना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का। इसके लिए हमने लिया है 1 बड़ा चमचा। उसमें 1/2 चम्मच तेल लेकर उसमें डाल देंगे हम बड़ी इलायची, मीठी नीम के पत्ते, 2 लाल सूखी हुई मिर्च और सबसे लास्ट में डालेंगे राई। इन सबको डालकर इसके बाद इसको डाल देंगे हम सांभर में और इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। तड़का लगाने के बाद ढकने से सांभर में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए
ये देखिए हमारा सांभर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसमें डाल देंगे हम कसूरी मेथी के पत्ते, वो हरा धनिया, ये सब डालकर इसे सर्व कर देंगे। आप इडली चाहो तो फ्राई करके भी खा सकते हैं। उसकी रेसिपी का वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।